हमने पहेलियां समझी थी, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में खाओगे हो जाओगे मस्त। तो इसका जवाब क्या है? जलेबी। उसके बाद दूसरी पहेली थी, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। इसका जवाब क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, पेड़। उसके बाद तीन अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊ, मध्य कटे तो। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीकर इसका शुरू है, मेरी दो दो आवाज आ रही है, ध्यान रखना। उसके बाद पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, क्या है ये? वेरी गुड। उसके बाद की पहेली, ये तो आप सभी को बहुत पसंद है, कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा, पता 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 पता। हमने पहेलियां समझी थी, उसके बाद हमने यह रिक्त स्थानों की पूर्ति, पहला प्रश्न हमारा था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमने यह खाली जगह की थी। सबने लिखी हुई है ना? हाँ मिस, लिखी हुई है सभी लोग। ओके, उसके बाद हमने प्रश्न दो किया था, विरोधी शब्द लिखिए, बराबर। यह प्रश्न सभी ने लिखा हुआ है? हाँ, विरोधी शब्द लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद हमने प्रश्न तीन किया था, जिसमें हमने समानार्थी शब्द लिखे थे, और फिर मैंने आपको इस समानार्थी शब्द को कुछ वाक्य भी बनवाने के लिए किए थे। मैंने कहा था चलो समानार्थी शब्द के वाक्य बनाइए और बोलिए, वाक्य एक जैसे ही होने चाहिए, सिर्फ अंदर के शब्द जो है वह बदलने चाहिए। जैसे कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, बराबर। सरिता बड़ी है, नदी बड़ी है, पांव से चलते हैं, पैरों से चलते हैं, पेड़ हमें छांव देते हैं, वृक्ष हमें छांव देते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम धरती पर रहते हैं, बड़ों के आगे हमें मस्तक झुकाना चाहिए, बड़ों के आगे हमें शीश झुकाना चाहिए, मेरे घर में तीन कक्ष है, मेरे घर में तीन कमरे है, पर्वत ऊंचा है, पहाड़ ऊंचा है, आकाश में तारे हैं, आसमान में तारे हैं। ये सभी वाक्य हमने किए थे, याद है सभी को? याद है ना? परीक्षा में यदि आपको इस प्रकार के वाक्य पूछे जाए तो आपको आप लिख सकेंगे? चलो, उसके बाद हमारा प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए या कुछ ना लिखिए, ठीक है? तुम लिखा रहे हो? सुविधा मिस, आप लिखा रहे हो? हेलो मिस, हेलो हेलो मिस सलमा मिस। हेलो बेटा, मिस किधर चले? चलो चलो, हम इस लिखवा रहे हो साथ में? हाँ लिखवा रही हूँ बेटा। सिक्स डी के क्लास में कुछ काम था ना, इसीलिए। चलो प्रश्न एक करके लिखो, प्रश्न एक करके लिखो। जलेबी का घर, जलेबी का घर कैसा है? जलेबी का घर गोल है। जवाब लिखिए, जलेबी का घर, जलेबी का घर गोल है, गोल है। दूसरा प्रश्न, पेड़ अपने पैर कहाँ छिपाता है? कहाँ छिपाता है? जवाब दूसरा, पेड़ अपने पैर जवाब में बोल रही हूँ बेटा, धरती में छिपाता है, धरती में छिपाता है। तीसरा प्रश्न, पेड़ किससे भोजन करता है? जवाब,
पेड़ पेड़ हाँ बोलो बेटा रमेश आप कहाँ पे पहुंचे हो तीसरे प्रश्न के उत्तर में पेड़ किससे भोजन करता है तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर पेड़ अपने पैरों से भोजन करता है लिख लिए तीनों प्रश्न बेटा किसी को बाकी नहीं है ना ओके उसके बाद चौथा प्रश्न लिखिए सिंगल इनविटेड कोमा में पगड़ी शब्द का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाए मिस दो मिनट खड़ा रहियो ना क्योंकि मेरे को मेरा नेट नहीं आता था तो मैं लेफ्ट हो गया था ओके कोई बात नहीं बेटा आगे के प्रश्न बाकी है आपको नहीं वो तो लिख लिए हेलो मिस हेलो हेलो मेरे को बाकी है तो मिस आप मोक लगे ये सब क्या पीडीएफ मोक लगे वीडियो देख लेना बेटा ठीक है वीडियो में तीन प्रश्न आपको बाकी है ना तीन प्रश्न की जगह छोड़कर मिस आगल के तीन बस कोई बात नहीं बेटा तो आप मिस पीडीएफ भेज देना पगड़ी शब्द का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा जवाब सिंगल इनविटेड कोमा में लिखना पगड़ी पगड़ी शब्द का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाए तो सिंगल इनविटेड कोमा में शब्द लिखना पग शब्द बनता है पांचवा प्रश्न सिंगल इनविटेड कोमा में मानचित्र का समानार्थी शब्द
लिखिए लिखिए जवाब सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए मानचित्र का समानार्थी शब्द सिंगल इन्वर्टेड कोमा में नक्शा है नक्शा है। उसके बाद प्रश्न छः सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है कागज का घोड़ा और धागे की लगाम किसके लिए कहा गया है जवाब सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कागज का घोड़ा और धागे की लगाम कोमापुरा पतंग के लिए कहा गया है। प्रश्न सात पेड़ क्यों चल नहीं पाता। हाँ बोलो बेटा। आप लोग लेक्चर क्या रुक रहे हैं? हेलो। हाँ बोलो बेटा। आप लोग लेक्चर क्या रुक रहे हैं? अभी 10-15 मिनट के बाद। ओके बेटा। जवाब लिखिए सातवां। पेड़ अपनी जड़ों से एक जगह एक
जगह स्थिर है, स्थिर है, इसलिए इसलिए वह वह चल नहीं, चल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। चलो ये सभी ओके चलो उसके बाद यहाँ पर आपको 8 नंबर करना है, प्रश्न 8 करके लिखना है। पेड़ हमें किस तरह मददगार मिस रखना मेरे को बाकी है थोड़ा। कौन सा बेटा? ये तुम लिखा रहे हो ना वो? हाँ मैं रख रही हूँ बेटा। पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं जवाब लिखिए। पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, देते हैं। लकड़ी देते हैं। जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राण वायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें
पेड़ हमें मददगार होते हैं। मददगार होते हैं। आपको आप खाने की कौन सी मीठी चीजें पसंद है इस प्रश्न का जवाब आपको अपने आप लिखना है, बराबर। सब लोगों को कोई ना कोई मीठी चीजें जो खाने की होती है वह अलग अलग पसंद होती है, इसीलिए आपको इसमें पसंद है वो चीज पसंद है, तो आप इसी प्रकार का जवाब लिख लीजिए। बाकी जिसको जो चीज पसंद है उसके हिसाब से उससे अपने आप जवाब लिखना है। किसी को रसगुल्ले पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, बराबर, किसी को घेवर पसंद है, तो वह सब कुछ अपने आप आपको लिखना है कि मीठे में आपको क्या क्या पसंद है, बराबर। अब आखिरी प्रश्न हमारा है दसवां। यह तो पतंग के मुझे भी नाम नहीं आते, उतने नाम आपको आते होंगे। यहाँ पर जो प्रश्न आखिरी दिया गया है ना, उसका जवाब पतंग के दसवां प्रश्न लिखिए। पतंग के अलग 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 नामों की सूची बनाइए। जवाब पतंग के अलग अलग नाम, फिर डैश करके लिखना है नाम, फिर डैश करके लिखना है ढाल, दुग्गा, बंदेदार, चांदीदार, आंखेदार, आंखेदार, चील, दुमकार, तुक्कल, तुक्कल,
नवरंग आदि है, आदि है। और कोई नाम पसंद आपको पता है बेटा, तो वो भी आप लिख सकते हो। नहीं पता। तो यहाँ पर हमने 10 प्रश्न के उत्तर लिखे, सभी ने लिख लिए हैं? हाँ मिस लिख लिए, 10 है लिख लिए। हाँ मिस लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए, यह 10 प्रश्न के उत्तर लिखने के बाद हमारा जो पुस्तक का सेम 2 का जो कोर्स है, सिलेबस है, वह यहाँ पर पूरा होता है। हमें अब कहानी और निबंध लिखने बाकी है, बराबर। हमें अब क्या लिखना है? कहानी और निबंध लिखने बाकी। वह हम अगले तास में देखेंगे। तो आज मैंने जो 10 प्रश्न उत्तर लिखवाए, वह आपको 2 बार लिखने हैं। होमवर्क तो पहले सुन लो। बाय मिस। बार लिखने को 2 बार। ओके बाय बाय मिस। और हम हमारा तास। ओके बेटा बाय। हमारे तो किस बार बेटा हम बेटा हम बोलें।